So welcome everyone, welcome to Sadeva classes. Today we are going to take your lesson. The name of the lesson is The Worth of a Fabric. The Worth of a Fabric is your lesson we are going to take today. Okay. So let's see, I'll read the chapter for you and I'll explain everything from this chapter. So let's see. Thiruvallavur was a great Tamil saint poet who lived more than 2000 years ago. Thirukkural is the book of his teachings. It is greatly loved and respected even today. Thiruvallavur was a textile weaver. He wore beautiful fabrics and saris and sold them in the market. People said that he never got angry, never used bad words, never shouted anyone. In the same town, there lived a rich young man. He wasted most of his time roaming around with his friends. They often made fun of other people. Now, let's go ahead. So, he said, I don't believe what people say about this Vallavur. Said the young man one day, I'm sure, dekho, what he's saying. कि मैं तो मुझे तो विश्वास ही नहीं है. आई डोंट बिलीव लेट लेट हिज पर्सन इज देयर और वो गुस्सा नहीं करता. आई एम श्योर आई कैन मेक हिम एंग्री. कम ऑन लेट्स हैव सम फन टुडे. तो वो दोस्तों को बोला चलो हम इसको गुस्सा दिलाएंगे और थोड़ा मजा करेंगे आज दिन. चलो. सो द एरोगेंट यंग मैन अप्रोच्ड थिरुवल्लावर इन द मार्केट एंड पिक्ड अप अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक. तो वो कहाँ चला गया? वो मार्केट में चला गया एंड ही पिक्ड अप ब्यूटीफुल पीस ऑफ फैब्रिक. आपको देख रहा होगा, देखो यू कैन सी देयर इज अ थिरुवल्लावर वहाँ पे है और ये आदमी वहाँ पे गया और उसने क्या किया, एक ब्यूटीफुल फैब्रिक मतलब कपड़ा वहां से उसने हाथ में ले लिया. लेट्स सी हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट. तो उसने क्या पूछा, इस कपड़े की कीमत कितनी. देखो हाथ में लिया, बोला कि इस कपड़े की कीमत कितनी, ये पूरा कपड़े की कीमत कितनी है. सो सेंट ने बताया, उसका प्राइस बताया 8 coins. व्हाट वाज द कॉइन? इट वाज द 8 coins. कितनी कीमत थी? 8 coins. द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक एंड टोर इट इनटू टू. उसने क्या किया, उसको अनफोल्ड किया, ओपन किया और उसको बीच में से उसके दो टुकड़े कर दिया, उसके दो फाड़ दिया उसने. फाड़ू नगर डाला बगा. नाउ व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पीस नाउ. और उसने क्या किया, आधा पीस तो फाड़ दिया, दो किया और उसने पूछा कि इसकी कीमत क्या है. देखो इसकी कीमत क्या है. 4 coins. जो सेंट है ना, उन्होंने शांति से कामली पोलाइटली ना बोला कि अभी इसकी कीमत हो गई 4 coin. कितने हो गई? 4 coins. द यूथ वॉज टेकन अबैक. अभी उसको बोला ये टेंशन में नहीं आया, गुस्सा नहीं हुआ, मैंने तो इसका इतना कीमती जो भी कपड़ा है वो तो मैंने फाड़ दिया. आई टोर इट. व्हाई डजंट द मैन गेट एंग्री, ही थॉट. ही देन टोर द हाफ पीसेस इनटू हाफ अगेन. तो उसने जो आधा किया था ना उसको और आधा कर दिया और फिर पूछा कि एंड नाउ What is the price? तो उसने बोला 2 coin. देखो 8 coin था, 8 का आधा हो गया 4, 4 का आधा हो गया 2 coins. He was the answer. Now it was the young man. Now what happened? Now it was the young man who became impatient and agitated. He tore the pieces into half again and again, saying, "Yeah, huh?" ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट सेशनला लिंक पाठवतो त्याच्यामध्ये बघ. येस. सो क्या किया वो, उसने पूरा उसको आधा 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 वो फाड़ते चला गया. एंड नाउ व्हाट वाज द प्राइस, वो पूछते चला गया. तो जैसे जैसे तेने पूरे विचारलं, जैसे जैसे उसने वो आधा आधा कपड़ा फाड़ते गया. सिमिलरली तिरुवल्लावर कामली वेंट ऑन रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द एवरी टाइम. तो वो भी उसका प्राइस धीरे धीरे आधा आधा करते चले गए. अभी क्या हुआ, एट लास्ट व्हाट हैपेंड, द फैब्रिक वॉज रेड्यूस टू रैग्स. अभी उसका सबका चिंदी रह ली. रैग्स मतलब चिंदी, चिंदी पता है ना, चिंदी. सो थिरुवल्लावर सेड इन अ क्वाइट टोन, नाउ दिस फैब्रिक हैज गॉन वर्थलेस, हैज बिकम वर्थलेस. आई विल नॉट नेम एनी प्राइस फॉर दिस रैग्स. अभी इसकी कीमत कुछ नहीं है क्योंकि इसका ऑलरेडी कीमत क्या हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है. द प्राइस इट ये सब प्राइसलेस हो चुका है, राइट. So the young man did not know what to say, but he was proud of his riches, so he offered to pay 8 coins to the saint.
फॉर द फर्स्ट टाइम तिरुवल्लुवर स्माइल्ड बट ही रिफ्यूज टू टेक द मनी। अभी इतना होने के बाद भी उसने बोला कि नहीं अभी ये पैसा ले लो, इसकी कीमत कुछ नहीं, ले लो मेरे तरफ से 8 कॉइन ले लो, 8 कॉइन्स। लेकिन ये तिरुवल्ला जी जो है उन्होंने पैसा नहीं लिया। यंग मैन नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज, इट हैज बिकम वर्थलेस। वाई? बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वेयर इट नाउ। तो ये चिंदी है ये कोई पहनेगा क्या? नहीं पहनेगा, ये कोई पहन सकता है क्या? नहीं पहन सकता, इसकी कीमत कुछ नहीं है। सो डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे। एक दिन में ये सब कपड़ा बनता है क्या? नो, इट इज नॉट मेड इन अ डे। मेनी पीपल हैव टॉयल फॉर इट, टॉयल टू मेक इट। देखो कौन कौन से लोगों ने टॉयल मतलब मेहनत की होती है लोगों ने। द फार्मर हु ग्रीव कॉटन इन हिज फील्ड वर्क हार्ड फॉर मंथ्स थ्रू सन एंड रेन। सूर्य मतलब ना ऊन वारा पाउस जैसी कमर न बाड़कता शेतकरी काम करते, खेती में काम करता है और कॉटन मिलता है। ही पिक्ड कॉटन फ्रॉम ईच बॉल एंड गेव इट फॉर स्पिनिंग। तो क्या करता है वो कॉटन उसमें से जमा करते हैं, वो स्पिनिंग के लिए लेता है। फिर उसके बाद समवन एल्स कार्डेड द कॉटन एंड स्पन इट इनटू लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड। तो कॉटन का थ्रेड बनता है। द थ्रेड्स वेयर ड्राइड केयरफुली सो दैट दे लुक दे टुक ऑन दिस लवली कलर्स। तो उसको डाई करते हैं तो कलर उसको मिल जाता है कलर। माई वाइफ एंड आई वो थ्रेड्स टूगेदर पुटिंग द ब्यूटिफुल डिजाइन। और मैं और मेरे बीवी क्या करते हैं हम दोनों तो डिजाइन बनाते हैं। हम क्या करते हैं तो डिजाइन बनाते हैं और मतलब ये अच्छे से अलग अलग डिजाइन के ये हम बनाते हैं। यस एंड देखो उसके बाद सॉरी हाँ वी थॉट समडे समवन विल लाइक द फैब्रिक एंड विल बी हैप्पी। तो हम सोचते हैं कि कभी ना कभी किसी को तो हमने जो भी फैब्रिक वीव किया है वो किसी को अच्छा लगेगा और वह पहनेगा, राइट? सो वी आर सेटिस्फाइड देन। देन ऑल अवर वर्क वुड हैव बीन रिवॉर्डेड व्हेन यू डिस्ट्रॉय द फैब्रिक, यू डिस्ट्रॉयड ऑल द लव एंड लेबर दैट वेंट इनटू इट्स मेकिंग, मनी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। और तुमने जो किया है ना इससे क्या हुआ है कि ये जो पूरी मेहनत है हमारी वो मेहनत पे पानी फिर गया है और पैसे से ये वापस नहीं आने वाला है। पैसे से वापस आएगा क्या? नहीं। The softly spoken words touched the young man's heart. Now he was really ashamed. अभी क्या हुआ उसको? He was ashamed. ये जो भी words वो बोल रहा था, जो सैन ने बोला तो उसको वो उसके मन को छू गए वो words. And do you know? और क्या देखो? Tilo went on. I can weave another fabric like this, but our life is also like this fabric. If you tear it apart with hasty, thoughtless actions. And it will be destroyed and you will not get it back again. तो बोला मैं तो चलो ये कपड़ा फिर से मैं वीव कर लूंगा। I can make this fiber, right? I can weave this fiber, मैं तो करूंगा। लेकिन तुझे तो क्या होगा कि तुझे हमारी लाइफ भी ऐसी है, खरा अगर हम अपने लाइफ में भी ऐसा करेंगे सो हमें क्या नहीं मिलेगा, हमें हमारी लाइफ का जो समय है वो हमारा समय फिर से नहीं मिलेगा। We won't get the time back. तो हमें अपना जो समय वो हमें useful things में उसको utilize करना है, not in the action, thoughtless action. Thiruvallur's words open the young man's eyes there and then he decided to give up his illness, idleness and bad habits. तो उसने अभी उस तरह उस दिन से उसने अच्छा रहने की कोशिश की, अच्छा रहने लगा और जो भी उसका idleness था, काम नहीं करता था, जो बुरी आदत वो सब उसने छोड़ दी. So what is ball? Ball means part of the cotton plant, spinning, the process of making yarn or thread out of cotton wood. Carded means clean and combed cotton to remove seeds. Spun is what drew out and twisted cotton. Rewarded, the when one is rewarded one gets what he has worked for. And idleness ka matlab hota laziness. Idleness means laziness. So describe the following with the help of the story. Tiruvallavur, a rich young man, the fabric worn by Tiruvallavur. Then classify the words into positive and negative. पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स देखो, पॉजिटिव वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स. पॉजिटिव वर्ड्स को हम ब्लू कलर देंगे, नेगेटिव वर्ड्स को हम देंगे रेड कलर. चलो स्टार्ट. ग्रेट, ग्रेट क्या हो गया बता मुझे? ग्रेट इज ग्रेट, ब्यूटीफुल. एरोगेंट, एरोगेंट इज योर नेगेटिव. इम्पेशेंट इज नेगेटिव. देन वर्थलेस इज नेगेटिव. हैप्पी, थॉटलेस इज नेगेटिव. ओके एंड हैस्टी, हैस्टी इज ऑल्सो नेगेटिव. Shouted at, negative. Wasted, negative. Offered, smiled. Refused, negative. Toiled, grieved. Died, rewarded, destroyed. ये सब negative. जो बाकी जो words बचते हैं ना, they all are
पॉजिटिव वर्ड्स ओके, मैं अगर मेरे मिस्टेक कर रहा हूँ तो यू कैन टेल मी सर अपना थोड़ा रॉन्ग आ रहा है वगैरह, यू कैन टेल मी। पोलाइटली का एंटोनिम मैंने पीछे पूछा था बीच में भी, सो व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ पोलाइटली, पोलाइटला क्या था बताओ मुझे।